when you face seemingly insurmountable obstacles and giving up is not an option, the wise thing to do is to break it down. Eat the elephant one bite at a time. The illusion created by fear is dispelled when we start taking action. So to find fortitude, we need to align ourselves with our inner strength. Ladies and gentlemen, our guest today, Lalit Kumar ji, wears many literary mantles, an author, motivational speaker, founder of projects like Kavita Kosh, Gadya Kosh, Tech Welkin, and We Capable. But today I'm adding one more. I genuinely think he's a success story that inspires every individual to break the shackles of societal stereotypes and be independent. His book, Vitamin Zindagi, narrates how a polio-stricken child transformed into a national role model and how he defined his life to be extraordinary. On behalf of Ehsaas Udaipur, I welcome you for this Kalam session. His book tells the story of a journey from abnormal to extraordinary. His examples show that when we are on the authentic path, it's easier to find courage amidst all struggles in life. Lalit ji's umpteen appearances on various channels and literary festivals is simply the world's way of thanking him to add courage, fortitude, and radiance in all our lives. We too salute your brilliance and welcome you amidst us for कहलाई जाएगी इस बुक के बारे में और क्या है ये विटामिन जिंदगी इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप सभी को नमस्कार जो क्वेश्चन है ये कई बार मुझसे पूछा जा चुका है कि इस किताब को आप किस कैटेगरी में रखेंगे तो एक बार मैंने एक सेशन में जो मेरे मॉडरेटर थे मैंने उन्हीं से पूछा कि आप ही बताइए कि किस कैटेगरी में रखा जाए तो उन्होंने कहा कि इसको आप एक्चुअली किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं लेकिन अगर रखना पड़े तो ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है ये एक मेमोआ है संस्मरण है जीवन का ये जीवनी भी नहीं है जीवनी और संस्मरण के बीच में ऑटोबायोग्राफी और मेमोआ के बीच में बहुत फाइन लाइन होती है ऑटोबायोग्राफी में यूजुअली आप अपने पूरे जीवन का परिचय देते हैं मेमोआ में आप कुछ पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं जैसे आप यूरोप घूमने गए और आपने उसके बारे में एक यात्रा संस्मरण लिखा ट्रेवलॉग लिखा तो वो मेमोआ है लेकिन ऑटोबायोग्राफी पूरी होती है शुरू से लेके आखिर तक ये भी उसी तरह की किताब है लेकिन मैं इसको मेमोआ इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें मैंने पोलियो के साथ भारत के समाज में जो स्ट्रगल रहा उसके ऊपर फोकस किया है तो जो मेन फोकस है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर है इसलिए मैं इसको मेमोआ कहता हूँ विकलांगता सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होती है इस बारे में आपके क्या विचार हैं आप किसे मानसिक और शारीरिक और सामाजिक विकलांगता कहेंगे शारीरिक विकलांगता हम सब जानते हैं सबको दिखती भी है मानसिक विकलांगता से भी हम परिचित हैं लेकिन एक और किस्म की विकलांगता होती है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ वो होती है सामाजिक विकलांगता सोशल डिसेबिलिटी मतलब जो शारीरिक विकलांगता होती है जो मानसिक विकलांगता होती है वो किसी एक इंडिविजुअल को होती है लेकिन एज ए ग्रुप एज ए सोसाइटी भी हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हमें एक आदर्श समाज एक आइडियल सोसाइटी के तौर पर फंक्शन करने से रोकती है डिसेबिलिटी की यही डेफिनेशन होती है कि आपके आइडियल लाइफ को आपको आइडियल लाइफ जीने से अगर कोई चीज़ रोकती है तो डिसेबिलिटी हो जाती है सो सामाजिक विकलांगता हमारे यहाँ बहुत सारी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कई बार जो ऑडियंस है उनमें से कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं जैसे
मुझे ये लगता है कि भारत में अगर एक तबके के बारे में बात की जाए तो देखा जाए तो स्त्री होना भी हमारे समाज में एक किस्म की विकलांगता हो जाती है. जस्ट बिकॉज समवन इज ए वुमेन, हमारे पास इक्वल राइट्स नहीं होते, हमारे लिए जीवन जीने का एक पर्टिकुलर तरीका तय कर दिया जाता है, तो हम आइडियल तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पाते. कोई और हमारे लिए तय करता है कि आपको ये वाला रास्ता अख्तियार करना है, तो वो एक किस्म से एक सोशल डिसेबिलिटी है. फिर किसी का रंग किसी के लिए डिसेबिलिटी होगी, ये शायद भारत के अलावा कहीं नहीं सोचा जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ है, खास तौर पर स्त्रियों के केस में. अगर रंग थोड़ा सा डार्किश साइड में हो जाता है तो अपने आप में एक समस्या बन जाती है. सो ये सामाजिक विकलांगताएं हैं, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है. और जैसा मैंने विटामिन जिंदगी में लिखा है कि हम सब की कोशिश होनी चाहिए एक ऐसा समाज बनाने की जिसमें सब लोग अपना सर्वोत्तम पा सकें. हम सब लोग इस धरती पर आए हैं कुछ पर्टिकुलर वीकनेसेस के साथ, कुछ स्ट्रेंथ्स के साथ. तो जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करना है और जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका इस्तेमाल करना है. लेकिन ये तभी होगा जब हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमें उस तरह का जीवन जीने देगा. आपने इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा है, गिरना, संभलना और उड़ान. तो क्या मंशा रही होगी आपकी इस प्रकार से इस किताब को बांटने की और क्या रही 3 भाग? ये भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. मैंने इस किताब को एक मोनोलिथिक तौर पे क्यों नहीं लिखा, पूरी किताब एक ही चैप्टर में, या मैंने बहुत सारे चैप्टर्स क्यों नहीं बनाए. और ये भी पूछा जाता है कि इसका नाम विटामिन जिंदगी क्यों है. सो विटामिन जिंदगी मैंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि जिस तरह से हमारे शरीर को विटामिन की ज़रूरत होती है, आप सब जानते हैं हमें विटामिन ए बी सी डी ई विटामिन की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हमारे मन को भी विटामिन की ज़रूरत होती है. और वो विटामिन कौन से होते हैं? वो तमाम किस्म की जो सकारात्मक भावनाएं हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो हमारे मन के लिए उसी तरीके से काम करती हैं जैसे हमारे शरीर के लिए विटामिन ए बी सी डी ई काम करते हैं. तो वो जो भावनाएँ हैं, पॉजिटिव भावनाएँ हैं, कौन सी भावनाएँ? विश्वास, फेथ, करेज, होप, ये सारी चीज़ें अगर हमारे हमारे नेचर का हिस्सा है, हमारे मन का हिस्सा है, तो हमारा मन स्वस्थ है. और अगर नहीं है तो हम मन के स्तर पर बीमार हो जाते हैं. सो मुझे लगा कि जब मैं ये किताब लिख रहा था, मुझे लगा कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे मन विटामिन्स की बात की है. बहुत सारे ऐसे इसमें आपको घटनाएं मिलेंगी जहाँ केवल और केवल आपके पास आशा है कुछ अच्छा होने की. कोई ऐसा कारण नहीं दिखता आपको कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप आशावान हैं, होपफुल हैं कि होगा. कुछ ऐसे हिस्से मिलेंगे जहाँ बहुत करेज है, हिम्मत है, कि कोई वजह नहीं है आपके पास कि आप हिम्मत दिखाएं, लेकिन आप फिर भी दिखाते हैं. सो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो इस किताब में शुरू से आखिर तक बिखरी पड़ी हैं. तो मुझे लगा कि ये एक कैप्सूल हो गया मन विटामिन्स का, तो क्यों ना इसको विटामिन जिंदगी कहा जाए. और जो आपने चैप्टराइजेशन की बात की वो मेरे लिए बहुत आसान था. मेरे जीवन के एक्चुअली 3 हिस्से हैं, तो उन्हीं 3 हिस्सों को मैंने ये 3 नाम दे दिए हैं, गिरना, संभलना और उड़ान. सो मेरे जीवन का जो शुरुआती हिस्सा था जब पोलियो से मेरी मुलाकात हुई, वो गिरने वाला हिस्सा था. मैं मुझे बताया जाता है कि मैं एक बहुत सुंदर बच्चा हुआ करता था किसी ज़माने में, गोलमटोल, और भागने दौड़ने का मुझे बहुत शौक था. और जो मेरी सबसे पुरानी याद है, जो मेरे खुद के जहन में है, वो भी यही है कि मैं भागकर किसी पहाड़ पर चढ़ रहा था. वो पहाड़ था वैष्णो देवी का,
आजकल वहाँ रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन पहले आपको काफ़ी पहाड़ियाँ पार करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही पोलियो से मुलाकात होती है वो सब कुछ एकदम थम जाता है और एकदम ग्राफ जो है वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद दौर शुरू होता है संभलने का कि आप गिर गए हैं तो आप क्या करते हैं, आप खड़े होने की कोशिश करते हैं, वो वाला हिस्सा है। और फिर उसके बाद उस हिस्से के दौरान, संभलने वाले हिस्से के दौरान, हम इस बात की आशा करते हैं कि एक दिन आएगा जब हम उड़ेंगे। तो उस पूरे हिस्से के दौरान मेरे मन में ये एक आशा रही, एक ये विश्वास रहा कि कोई ना कोई एक दिन आएगा जब मैं उड़ सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी दिल्ली से उदयपुर आया हूँ उड़कर। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से रहे, मैं अपनी फैमिली में पहला ग्रेजुएट हूँ, मुझसे पहले कभी कोई ग्रेजुएट हुआ ही नहीं। मुझसे पहले जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं हमारी फैमिली हिस्ट्री में, वो मेरे पिता रहे हैं जो 11वीं क्लास तक पढ़े। सो मैं पहला ग्रेजुएट हूँ। हमारे परिवार के इतिहास में कभी भी एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो खानदानी पेशा है वो कारपेंट्री है, हम लकड़ी का काम करते हैं। उसमें आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती नहीं, पिता जो है पुत्र को सिखा देता है और काम आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा मेरे पास कोई कारण नहीं था ये सोचने का कि कभी मैं हवाई जहाज में बैठ सकता हूँ। इट वॉज इम्पॉसिबल ऑनेस्टली। आज भी मेरे पूरे परिवार के इतिहास में मेरे अलावा कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा है। मुझे याद है एक घटना का यहाँ पर मैं जिक्र कर देता हूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था तो मुझे रोज़ाना कॉलेज आने जाने के लिए 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ता था, और दिल्ली की गर्मी में 42-45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जब मैं चलता था तो हालत क्या होती थी वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और उस टाइम में जब मेरे पास से कोई कार गुजरा करती थी जिसमें एक ही व्यक्ति उसको ड्राइव कर रहा है और 3 सीट उसकी खाली है, तो मैं सोचता था कि यार कितनी अजीब दुनिया है ना, कि आखिर इस कार को, आई डिड नॉट वरी अबाउट डेस्टिनेशन कि वो कार जा कहाँ रही है और मुझे कहाँ जाना है। मेरे लिए जो रास्ता था वो इस तरह से डिवाइड होता था, यहाँ से वो वाला मोड़ और उस वाले मोड़ से वहाँ तक का, फिर वहाँ तक का। अगर ये कार मुझे यहाँ से वहाँ लेके जा सकती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी हेल्प थी। और वो कार जा उधर ही रही है और उसमें 3 सीट खाली है, लेकिन हम नहीं बैठ पाते। फिर ऐसा भी होता था कि हमारे पास पब्लिक बसेस होती हैं तो बसेस चला करती थी, ड्राइवर्स मुझे अपनी बस में नहीं चढ़ाते थे। उनको मेरे साथ दिक्कत ये रहती थी कि मुझे बस में चढ़ने में थोड़ा समय लगता था, अपनी पहले बैसाखियों को रखना, फिर उनको बैलेंस करना, फिर खुद को बैलेंस करना, फिर अपने आप को अंदर खींचना, फिर से बैसाखियों को पकड़ना, फिर बैलेंस करना, वो एक प्रक्रिया होती थी। मुझे 1-2 मिनट कुछ तो लग जाता था। ड्राइवर्स को इतना सब्र नहीं था, तो चूँकि मेरा कॉलेज आने जाने का सेम टाइम होता था और सेम बसें उस समय वहाँ से निकलती थी, तो ड्राइवर्स ने मुझे पहचान लिया था। वो मुझे देखते ही बस रोकती नहीं थी, और कभी जब रोकनी पड़ जाए दूसरे पैसेंजर्स के लिए तो वो भरी बस में मुझे बोल दिया करते थे, यार तुमको कोई और बस नहीं मिलती चढ़ने के लिए, यही बस मिली है तुमको। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई। तो उस समय मैं ये सोचा करता था कि कोई एक दिन आएगा जब मेरे पास अपनी कार होगी, जब मुझे बस में चढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपका हौसला बनाए रखती हैं, और फिर एक दिन आता है, पक्का आता है, जब उड़ान आरंभ होती है। तो इस किताब का जो तीसरा हिस्सा है उसमें उड़ान आरंभ होती है, एक ऐसा दौर शुरू होता है जो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए या हमारी रिश्तेदारी के लिए या जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उनके लिए वो सोचना भी असंभव था। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप आशा बनाए रखते हैं, तो वो दौर आता ज़रूर है। उसको आने में बहुत लंबा समय लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि सूरज कभी नहीं निकलेगा, लेकिन वो एक दिन निकलता ज़रूर है। यही वजह है कि इस किताब के 3 हिस्से हैं।
आई थिंक हम सभी उसी फेज से गुजरते हैं, एक गिरना, एक संभलना और एक उड़ान। इस किताब में ऐसी कोई लाइनें हैं जो आपके बहुत प्रिय हैं या मन के बहुत करीब हैं और जो आप हम सबको पढ़ के सुनाना चाहेंगे? ऐसी तो बहुत सारी लाइनें हैं, एक्चुअली सारी ही किताब है। क्योंकि इसमें सारी लाइनें ऐसी हैं तो मैं क्या करूँगा ना कि जो सबसे पहला है वही पढ़ के सुना देता हूँ और नहीं होंगे। ओके, इस किताब का जो पहला चैप्टर है जिसको आप एक किस्म से इस किताब का एक आईना कह सकते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, वो एक छोटा सा पीस मैंने शुरू में लिखा है। ये मेरी 12वीं क्लास की एक घटना है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ा करता था। आज स्कूल में बहुत गहमा गहमी है, मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और मेरी बोर्ड की परीक्षाओं में केवल 2 महीने शेष हैं। चूंकि 12वीं कक्षा स्कूल की अंतिम कक्षा होती है, इसलिए आज स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया है। आप सब जानते होंगे यह केवल एक प्रथा है, हर कोई विदा नहीं हो जाता। बहुत से विद्यार्थी बरस दर बरस इस समारोह की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे इधर बहुत होता था ऐसा। बहरहाल प्रथा के अनुसार 11वीं कक्षा के छात्र और स्कूल के अध्यापकगण 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह समारोह आयोजित करते हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं, धूप तेज पर सहन करने लायक है। आज सुबह प्रार्थना के समय ही प्रिंसिपल महोदय ने 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मैदान में ठीक 12 बजे इकट्ठा होने का निर्देश दे दिया था। सभी छात्र इस समय खुले मैदान में पंक्तियां बनाए बैठे हैं। कुछ एक ने पतलूनों को मिट्टी से बचाने के लिए कॉपियों के पन्ने फाड़कर नीचे बिछा लिए हैं। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि चाहे जितना बचाओ मेरे कपड़ों पर तो मिट्टी लग ही जाती है। मैं पूरे गर्व के साथ 12वीं कक्षा की उस पंक्ति में बैठा हूँ जिसमें बस गिने चुने विद्यार्थी हैं। मैं यह 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की पंक्ति है। हमारे स्कूल में विज्ञान का विषय केवल 2 वर्ष पहले ही आया और विज्ञान पढ़ने वाली पहली कक्षा में मैं भी शामिल हूँ। विज्ञान को मेरे स्कूल में एक महान और कठिन विषय माना जाता है, इसी वजह से हम विज्ञान के छात्रों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। सभी अध्यापकगण हमारी ओर बहुत स्नेह और आशा की दृष्टि से देखते हैं। हमसे आशा की जाती है कि हम बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नतीजे लाकर स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस तरह के विदाई समारोहों में अधिकांश छात्रों की रुचि का विषय एक समोसा, एक बर्फी, एक केला और एक संतरा होते हैं जो समारोह के बाद हर छात्र को लिफाफे में डालकर दिया जाता है। आयोजन के कारण, इसके महत्व और अध्यापकों के भाषण इत्यादि में अधिकांश छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। और ये लीजिए, भाषण आरंभ हो गए हैं। प्रिंसिपल महोदय और 12वीं कक्षा के क्लास टीचर्स छात्रों को अपनी अपनी आशाओं के बारे में बता रहे हैं। ज़्यादातर छात्रों को इन आशाओं से कोई सरोकार नहीं है, वे एक दूसरे से दबी आवाज़ में बात करने में मशगूल हैं। करीब 20 मिनट के बाद आखिरकार भाषण समाप्त हो गए और अब छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। ऐसे पुरस्कार के रूप में अक्सर पेन, कॉपी या ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाता है। मुझे आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। पिछले 12 वर्षों में मैं कभी भी कक्षा में सबसे अधिक अंक नहीं ला सका। मैं खेल कूद में भी भाग नहीं ले पाता था और किन्हीं अनजान कारणों से मैं शिक्षकों का सबसे प्रिय छात्र भी कभी नहीं रहा। मंच पर एक एक करके पुरस्कार विजेताओं को बुलाया जा रहा है। मैं हर उद्घोषणा को धड़कते दिल से सुन रहा हूँ कि शायद मेरा नाम भी पुकारा जाए, लेकिन जैसे जैसे मंच पर रखी मेज से पेन सेट, कॉपियाँ और ज्योमेट्री बॉक्स एक एक कर अन्य छात्रों में बंट रहे हैं, मेरी आशा कमज़ोर पड़ती जा रही है।
मैं विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की विशिष्ट पंक्ति में बैठकर गौरव का अनुभव तो कर रहा हूँ, लेकिन एक खुशी जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से लालायित रहा हूँ, वह एक बार फिर मेरे हाथों से फिसलती हुई महसूस हो रही है। हालांकि मैं स्कूल में हुए टेस्ट में दूसरे स्थान पर रहा और मैंने मोटे तौर पर पिछले 2 वर्षों में विज्ञान और अंग्रेजी में अन्य छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पुरस्कार वो तो मुझे कभी मिलता ही नहीं। और इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार जाता है ललित कुमार को। मंच पर पुरस्कारों की घोषणा कर रहे अध्यापक ने अचानक कहा, मैंने जो सुना उस पर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो सुना वो मैंने स्पष्ट सुना। सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मुझे ही दिया जा रहा है। मैंने मंच की ओर देखा तो अध्यापक मुझे आगे आने का इशारा कर रहे हैं। मैं बेतहाशा धड़कते अपने दिल को थामने की कोशिश में जुटा हूँ। स्कूल के 12 वर्षों में मैं आज तक कभी भी मंच पर नहीं गया। आज जब मैं स्कूल के अंतिम पड़ाव पर हूँ, तब आखिरकार मैंने स्वयं को सिद्ध कर ही दिया कि मैं किसी से कम नहीं। मैं इन्हीं भावनाओं में डूबा अपनी बैसाखियों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि अबे इसे तो ये इनाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये लंगड़ा है। मुझे पीछे बैठे एक सहपाठी की आवाज सुनाई दी। पुरस्कार मिलने की खुशी में धड़कता मेरा दिल जैसे अचानक रुक गया। अचानक मैंने अपने चारों ओर उसी सन्नाटे और खालीपन को महसूस किया जो इस तरह की बातें सुनाई देने पर मुझे अपने आगोश में ले लेता है। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, मानो किसी ने मेरे वजूद को एक झटके में मिटा दिया हो। यहां सबके सामने आओ ललित, मंच से आई अध्यापक की आवाज ने मुझे अचानक आधमके उस सन्नाटे से निकाला और मैं अपने चीखते मन को बैसाखियों पर ढोते हुए मंच की ओर बढ़ने लगा। छात्रों ने अनमनी सी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। इसके कुछ देर बाद छात्रों के बीच समोसे के लिफाफे बांट दिए गए, अध्यापक भी प्रिंसिपल महोदय के कमरे में चाय नाश्ते के लिए चले गए और सभी छात्र अपने अपने लिफाफे से चीज़ें निकालकर खाने लगे। लेकिन मुझे उस सन्नाटे ने फिर घेर लिया था। मैदान के कोने में बैठा मैं मन ही मन रो रहा था। 12 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज मुझे सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब मिला था, लेकिन समाज की निगाह में इस खिताब को हासिल करने वाले ललित और उसके द्वारा लांघी गई हजारों बाधाओं का कोई अर्थ नहीं था। समाज की नजर से देखें तो जो बैसाखियों पर चलता है उसे पुरस्कार केवल इसलिए मिलता है क्योंकि वह विकलांग है। कोई विकलांग व्यक्ति भी किसी ऊंचाई को छू सकता है, ऐसी कोई कल्पना मेरा समाज कर ही नहीं सकता था। मेरे किसी भी सहपाठी का जीवन उतना कष्टप्रद नहीं था जितना मेरा था। मेरे किसी भी सहपाठी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मैंने की थी। मेरे किसी भी सहपाठी को अपना मन नहीं मारना पड़ा था, पढ़ाई के लिए अपने शरीर को तोड़ना नहीं पड़ा था, लेकिन फिर क्यों मेरे सहपाठी ने मुझे ताना दिया? मैदान के एक अकेले कोने में बैठे हुए मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं उस सहपाठी को गुस्सा जताकर नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों से उत्तर दूंगा। अध्यापक मान चुके थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अब मुझे अपने उस सहपाठी को भी ऐसा जवाब देना था जिसे वह चाहकर भी ना नकार सके। बोर्ड की परीक्षा निकट थी, मुझे स्वयं को सिद्ध करना था और मैंने ठीक वही किया। बोर्ड की परीक्षा में अपनी कक्षा में मुझे सर्वाधिक अंक हासिल हुए। मैंने सिद्ध कर दिया कि मुझे मिला वह पुरस्कार किसी की सहानुभूति नहीं थी। यह छोटी सी घटना किसी भी विकलांग व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों और हमारे समाज के विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। विकलांगता और समाज के रवैये के विरुद्ध लड़ाई केवल अथक परिश्रम और इच्छा शक्ति के बल पर जीती जा सकती है।
यहाँ ये सेक्शन खत्म होता है और इसके बाद मैंने दुष्यंत कुमार की चार पंक्तियाँ दी हैं। यह लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, यह लड़ाई जो कि मैं अपने आप से मैंने लड़ी है, यह घुटन यह यातना केवल किताबों में पढ़ी है, यह पहाड़ी पांव क्या चढ़ते यादों ने चढ़ी है, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। बहुत खूब और बहुत ही प्रेरणादायी कहानी थी ये वाली। ललित जी, इस किताब के अलावा भी आपके कई अकम्पलिशमेंट्स हैं। आपने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया है कई प्रोजेक्ट्स पे, उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा यूनाइटेड नेशंस में, किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किए? इस किताब में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने चौथी क्लास में पढ़ा। मेरी हिंदी की किताब में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक पाठ था, मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो पाठ पढ़ के मुझे चौथी क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी ना कभी यूएन के लिए ज़रूर काम करूँगा। अब ये मुझे नहीं मालूम था उस समय कि मैं कभी वास्तव में करूँगा, लेकिन किया। सो मैंने तकरीबन 5 साल यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। ये कहूँगा कि वो जो 5 साल थे वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि उन 5 सालों ने मेरे मानसिक क्षितिज, मेरे मेंटल होराइजन का बहुत विकास किया। मुझे पता लगा कि दुनिया दिल्ली के बाहर भी होती है, भारत के बाहर भी होती है, एशिया के बाहर भी होती है और शायद धरती के बाहर भी कहीं होती हो। यूएन के साथ काम करते करते बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें मैंने सीखी। जब मैं यूएन के लिए काम करता था तो मेरे लिए कोई पाकिस्तानी नहीं था। जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के प्रति हमारी जो भावनाएं कैसी है, लेकिन जब हम मैं वहाँ काम करता था तो हमारे लिए कोई बांग्लादेशी नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई चाइनीज़ नहीं था। मैं जिस एजेंसी के साथ काम करता था हमारा परव्यू एशिया एंड पैसिफिक रीजन होता था, तो इधर के सारे देश मेरे लिए बराबर थे। मैं करीब 20 देश के लोगों के साथ मैं काम करता था, उनके साथ मेरे लिए रोज़ की बोलचाल थी। तो एक यू नो वैश्विक एक ग्लोबल जिंदगी वहाँ से मुझे प्राप्त हुई और साथ ही एक और चीज़ मुझे वहाँ से मिली जिसके लिए मैं आई थिंक यूएन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूनाइटेड नेशन से मुझे शब्दों के महत्व का पता लगा। वहाँ हम लोग शब्दों के ऊपर इतनी खींचातानी करते थे। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और डिप्लोमेसी मतलब वर्ड्स, हर वर्ड उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। एक बार मुझे याद है एक मीटिंग में हम सुबह से शाम तक एक वर्ड के ऊपर डिबेट कर रहे थे कि ये लिखा जाए या वो लिखा जाए, और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। कम से कम 50 लोग उस मीटिंग में शामिल थे, 50 लोगों ने उस एक वर्ड के ऊपर पूरा दिन बिता दिया और आखिर में कुछ डिसीजन हुआ। तो उस मीटिंग में मुझे लगा कि अच्छा, मतलब हर शब्द इतना शक्तिशाली होता है, हर शब्द के कुछ न्यूएंसेस होते हैं, कुछ उसके हिडन मीनिंग्स होते हैं, कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो मन में आया वो बोल दिया। तो जो शब्द है, भाषा है, उसका महत्व मुझे वहाँ सीखने को मिला, तो ये था। और इसके अलावा ये कि जैसे मैंने कहा कि एक वैश्विकता महसूस होती है, आप किसी को अपने से अलग नहीं मानते, तो यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ललित जी, यू आर आल्सो प्रोफेशनल ब्लॉगर, सो डिड यू जस्ट चांस अपॉन ब्लॉगिंग और वाज इट अ वेल थॉट आउट करियर चॉइस? एंड हियर ऑडियंस वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ यू कुड मेक आपने कितने लोग ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, ब्लॉगिंग क्या होती है या कुछ होता है? दो तीन लोग हैं, तो मे बी हम ये कर सकते हैं कि हम इसी मिनट के बाद बात कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि शायद ज़्यादातर लोगों को उसमें इंटरेस्ट ना हो, बट फिर भी मैं एक ओवरऑल इसका परव्यू दे देता हूँ। ब्लॉगिंग एक
कहिए कि एक नए जमाने का करियर है। जो लोग लिख सकते हैं वो या तो किताबें लिखते हैं या समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं या मैगजीन्स के लिए काम करते हैं, पर वो किसी और के लिए काम करते हैं। ब्लॉगिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने लिए काम करते हैं और अपने लिए लिखते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपका एक डिजिटल न्यूज़पेपर है। अगर आपके पास रीडरशिप है, जैसे मेरे पास लगभग 20 लाख लोगों की रीडरशिप है, तो अगर आपके पास रीडरशिप है तो जैसे कोई भी प्रिंट न्यूज़पेपर रीडरशिप के हिसाब से ही आपको आपके बिजनेस के अनुसार पैसा देता है, उसी तरीके से ब्लॉग भी आपके पास कितने रीडर्स हैं उसके हिसाब से आपको वो इनकम देता है। और अगर आप एक सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड पार कर लेते हैं तो आप उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि मैं फुल टाइम प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। फुल टाइम मैं क्या करता हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानता। मैं सुबह कोई काम करता हूँ, शाम को कोई करता हूँ, दोपहर में भी दो चार कर लेता हूँ। एक साथ मैं कई सारे काम करता हूँ। ब्लॉगिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। बट हाँ, ये है कि जो ब्लॉगिंग मैं करता हूँ वो प्रोफेशनल लेवल की है। उसके लिए उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, जैसा आपका क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि ये यूँ ही हो गया। ये एक बहुत मेरे लिए ज़रूरी चीज़ थी। मुझे पोलियो है और ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि पोलियो का एक सेकेंड फेज होता है जिसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहा जाता है। जो जिन लोगों को पोलियो होता है और जिनके ऊपर पोलियो का बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, जैसा कि मेरे ऊपर था, उनको करीब 20 से 25 साल के बाद एक नया फेज शुरू होता है जिसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहा जाता है। और उसमें जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है वो और नीचे गिरनी शुरू होती है। पोलियो का ग्राफ अगर आप देखें तो ये ऐसे है कि पोलियो एकदम से नीचे गिराता है, फिर एक स्टेबलाइजेशन का फेज आता है, फिर वो बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। तो अभी मैं वो तेज़ी से नीचे जाने वाले फेज में एंटर कर चुका हूँ और अब ये कभी नहीं रुकेगा एज पर डॉक्टर्स। ये इसका कोई इलाज नहीं है इसका, और ये प्रोग्रेसिव है, समय के साथ साथ और ज़्यादा ख़राब होता जाता है। जब से मुझे ये कंडीशन महसूस होनी शुरू हुई, आई थिंक 2008 से मुझे फील होने लगा था कि मैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के फेज में आ गया हूँ। मेरी स्किल्स मैंने इतनी सारी एक्वायर की, पढ़ाई में, काम में, क्रॉस फंक्शनैलिटी मेरी इतनी स्ट्रांग है, इतनी सारी चीज़ों को मैंने सीखा है कि मैं उनके कॉम्बिनेशंस में इतनी नई चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इतने बड़े स्किल सेट होने के बाद भी देखिए, एक ज़िंदगी आपको कहाँ ले आती है कि स्किल सेट मेरा बहुत बड़ा है, मार्केट में मेरी डिमांड है, लेकिन मैं जस्ट उस काम को कर नहीं सकता क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है। मैंने 2009 में ये सोचना शुरू किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। मुझे कुछ होम बेस चाहिए। और तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं होम बेस क्या कर सकता हूँ, तो आंसर आया कि राइटिंग। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ए ब्लॉग एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई कन्वर्टेड इट इनटू ए प्रोफेशनल ब्लॉग। इट वॉज आउट ऑफ द नीड, नॉट जस्ट आई चांस अबाउट इट। So besides blogging, you also started a YouTube channel to help the differently abled people. So this is what you do to help the other people. मेरा जितने काम मैं करता हूँ उसका 80% voluntary काम होता है। वो जस्ट मैं लोगों के लिए करता हूँ, सोसाइटी के लिए करता हूँ। उसके लिए मैं कोई उसके लिए मुझे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। जैसे कविता कोश है, हो सकता है आपने किसी ने देखा हो, नहीं देखा, कोई बात नहीं। कविता कोश इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है इंडियन लिटरेचर की। मैंने 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कि मेरा जो मकसद था वो ये था कि भारत का जो लिटरेचर है जो कि किताबों में छपा है, और हो ये रहा है कि बदलते समय के साथ, बदलती बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको अब दोबारा कोई छाप नहीं रहा है। बहुत अच्छी किताबें हैं,
लेकिन पब्लिशर उसको छापते नहीं है भगवान जाने किन कारणों से। तो वो क्या रहा है कि किताबों की आखिरी कॉपी होती है, जिस दिन वो नष्ट हो जाती है उस दिन वो खत्म हो जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है जैसे वो कभी इस दुनिया में लिखी ही नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि हमको उन किताबों को बचाना चाहिए और इसलिए ये प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया। सो हम उन किताबों को डिजिटाइज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है। कविता कोश एक बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है और पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से वॉलेंट्री है। इस पर काम करते हुए मुझे 14 साल हो गए हैं और देश विदेश में हर जगह सारे टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस और अखबार मैगजीन सब उसका इस्तेमाल करते हैं। सो वो एक अच्छी चीज़ है। सारे जो रचनाकार हैं, जो उनके जो संतानें हैं, वो खुश होती है कि हमारे दादा परदादा ने जो लिखा था एटलीस्ट अब वो सुरक्षित हो गया है, क्योंकि कागज़ को तो आप कब तक सुरक्षित करना है। सो ये चीज़ें हैं। तो इसी लिहाज से मुझे 2017 में मैंने सोचा कि अब लिटरेचर बहुत हो गया है, लिटरेचर बहुत हो गया है, अब कुछ और किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अचानक ये लगने लगा कि समाज के अंदर इतना कुछ गड़बड़ है और इतना सब कुछ सही करने के लिए है कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। केवल लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करके मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्या किया है। मुझे लगा कि सबसे पहली चीज़ जो मेरे सामने आई कि हमारे देश में विकलांगजन की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। मैं 2-3 साल बाहर रहा हूँ विदेश में और वहाँ रहने के बाद एक्चुअली मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है, वरना तो उससे पहले तो मेरे लिए वही नॉर्म बन चुका था जो यहाँ है। लोगों का मेरे प्रति जो व्यवहार है वो मुझे नॉर्मल लगने लगा था। अब क्या करेंगे, मतलब बदलने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अगर ना बदले तो एक टाइम के बाद आप क्या सोचेंगे, ठीक है ये ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर रहा तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तब ये डिफरेंस समझ में आया और तब मुझे ये लगने लगा कि बदलाव करने की ज़रूरत है। अब वो डिफरेंस क्या है उसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं बहुत सारे काम डिसेबिलिटी सेक्टर में इस वक्त कर रहा हूँ और सारे काम जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। कोई इसी मेरे पास एक लंबी चौड़ी रीडरशिप है तो उस रीडरशिप का लाभ मैं लोगों को दे देता हूँ एंड देन वो लोग आगे जाके हेल्प करते हैं। तो अभी मैं उसी लेवल पर काम कर रहा हूँ लेकिन जल्द ही मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आऊँगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ, जो दशमलव यूट्यूब चैनल की बात कर रही हैं उसके मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो सारे के सारे लोग डिसेबल लोग, भारत के तमाम राज्यों से लोग हैं। मैं यूट्यूब के ज़रिए उनसे मुखातिब होता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो इसी श्रृंखला में मेरे पास किसी ने मुझे एक फोटो भेजी। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं इसको हर मंच से इस बात को बताता हूँ क्योंकि इस घटना ने जितना मुझे प्रभावित किया मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इसको सुने और सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। किसी ने मुझे एक फ़ोटो भेजी व्हाट्सएप पर। वो फोटो थी एक आधार कार्ड की, किसी का आधार कार्ड था। किसका आधार कार्ड था? यूपी के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 38 साल है। उसको बचपन में पोलियो हो गया था, अभी उसकी उम्र 38 साल है। आज भी वो व्यक्ति अपने गांव की सड़कों पर घिसट के चलता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यह बहुत सामान्य सी बात है, जो बड़ी बात है वो अब आएगी। वो जो फोटो मुझे भेजा गया वो उसी व्यक्ति का आधार कार्ड की तस्वीर थी। आधार कार्ड बना था जब उस व्यक्ति की उम्र 34 साल थी। उसके गांव में आधार कार्ड बनाने के वाले जो ऑफिसर्स हैं वो गए और सबके आधार कार्ड बनने शुरू हुए। जब उसको भी लाया गया, जब उसका नंबर आया और उसका डेटा एंटर हो रहा था कंप्यूटर के अंदर, एंट्री की जा रही थी, तो जो ऑफिसर था उसने पूछा कि अब इसका नाम क्या है। अब एक तो ये भी देखिए कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि विकलांगजन को हमारा के प्रति हमारा जो एक सबकॉन्शियस नजरिया है, भाई वो व्यक्ति सिर्फ घिसट के चल रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बोल नहीं सकता, आप उससे क्यों नहीं पूछते कि उसका नाम क्या है? ऐसा बहुत होता है, उससे नहीं पूछा, 38 साल के व्यक्ति से नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसके साथ जो खड़ा होता इसका नाम क्या है? जी सब इसको टेढ़ा ही कहते हैं, और आधार कार्ड में उस व्यक्ति का नाम टेढ़ा लिख दिया है ना। वो ये एक घटना हमको बताती है कि हमारा समाज एक बड़े तबके के प्रति कितना ज्यादा असंवेदनशील है। मैं उन गांव के लोगों को उतना बड़ा दोष नहीं दूंगा, लेकिन उस अफसर को जरूर दूंगा, उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था कि ये तो कोई नाम नहीं होता, लेकिन लोगों को देखिए उसने कंप्यूटर में एंटर कर दिया। अब ऑफिशियली आधिकारिक रूप से हमारे देश के एक नागरिक का नाम टेढ़ा है, जो समाज एक नाम नहीं दे सकता, उससे आप और क्या अपेक्षा करेंगे? नाम तो फ्री में मिलता है, नहीं था नाम तो वही रख देते जी, रमेश है, सुरेश है, मोहन है, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन नहीं रखा, टेढ़ा नाम रख दिया गया। मैं इस घटना का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हमारे भीतर की जो समस्या है उसको एकदम उजागर करती है। हम सब लोग कहेंगे, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब ये मानेंगे, मैं जितने भी मंचों पर जाता हूं सब लोग ये कहते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, हम उन गांव वालों जैसे नहीं हैं, हम उस आधार कार्ड वाले ऑफिसर की तरह भी नहीं हैं, हम तो उनसे बेहतर हैं। लेकिन मुझे इस बात पर डाउट होता है, और ये डाउट मैं आप में से किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं कर रहा हूं, मेरा ये डाउट सोसाइटी के ऊपर है। सो प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, हमने कभी उस एंगल से सोचना सीखा ही नहीं। हम टेक्नोलॉजी पे कई आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, इंडिया के प्रति आपका क्या विचार है? आर वी रेडी एज अ कंट्री टू एम्ब्रेस ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन? व्हाट आर योर व्यूज ऑन इंडिया, हाउ वी आर एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजी? Because we have to balance both the privacy data leakages on one side and growth on the other side. Yeah. देखिए इंडिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो समस्या यह है कि इंडिया के बारे में एक इंडिया को एक सिंगल एंटिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं और हर हिस्से की अपनी समस्याएं अलग अलग होती है। हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे समाज में और आगे बढ़े, हम उसको स्वीकार करने लगे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी उसको स्वीकार नहीं करता। मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट, बाय द वे इस किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक जगह लिखा हुआ पाएंगे कि मैंने कक्षा 8 के अंदर ये निश्चय किया था, अपने आप से वायदा किया था कि ज़िंदगी में मैं कुछ भी करूँगा लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। क्यों किया था? क्योंकि उस दिन जिस दिन ये निर्णय मैंने लिया था, उस दिन हमारे घर कोई आए हुए थे मेहमान और वो मेरे पापा को बता रहे थे, मैं पास में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था तो मेरे पापा को बता रहे थे कि हाँ जी ये तो ठीक है, ज़िंदगी ख़राब हो गई बच्चे की, पर कोई नहीं, सरकार ने कोटा रखा हुआ है, 8वीं पास कर ले, 10वीं पास कर ले, नौकरी लग जाएगी, क्लर्क की नौकरी लग जाएगी। तो वो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार इधर देखो मैं रोज़ाना 3-3 किलोमीटर चल के पढ़ाई करने जा रहा हूँ और तुम सोच रहे हो कि, तो मैंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो पर सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, पर अभी मैं एक सरकारी संस्था के साथ काम करता हूँ बट एज ए कंसल्टेंट नॉट एज एन एम्प्लॉय। तो वहाँ मैंने देखा है कि जो हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, लेट्स से 50+ जो लोग हैं वो, और प्लस यंगर जनरेशन से भी बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से बड़ा डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने ये मशीन में डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे ही करंट लग जाएगा। ये भी हालात हैं। अब मैं उस तबके की तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सके, तो उसकी तो समस्या ही अलग है। बट हाँ ये है कि धीरे धीरे
टेक्नोलॉजी जिस इस तरीके से हमारे समाज में पाँव फैला रही है, धीरे धीरे ही सही पर उसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हम रेडी तो बिल्कुल कभी नहीं होंगे, पर ये जो चलन है ये चलता रहे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब हम आई थिंक हम एक टेक सेवी सोसाइटी कहला सकेंगे। किताब लिखना चाहूँगा, देखते हैं किस विषय पर लिखी जाए, उसके बारे में तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में बहुत सारे काम करते हैं। जैसा इस किताब की आखिरी लाइन है कि जीवन जारी है, उड़ान जारी है, तो अभी बहुत कुछ करना है। ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करके मैं एक सोसाइटी के तौर पर अपने आसपास के जो लोग हैं उनको झिझोड़ सकूँ। विकलांगता को मैं केवल एक बहाना बनाता हूँ, वो एक केवल एक जरिया है, बट बेसिकली हम मुझे लगता है कि हम भीतर से कहीं ना कहीं मरे हुए हैं, एटलीस्ट कोई हिस्सा तो मरा हुआ है, उसको जगाए जाने की, उसमें कुछ हलचल पैदा करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो हलचल पैदा हो और हमारे मन का जो भी हिस्सा अब तक हम यूज़ नहीं कर पाए हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकें। तो इसके लिए विकलांगता को, जैसा मैंने कहा, बहाना बनाता हूँ मैं। अभी कल ही मैं एक पैनल डिस्कशन में था कुछ ऐसी महिलाओं के साथ जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया गया था, और उसमें ऐसे ऐसे वाकये मैंने सुने हैं कि जब मेरी बारी आई बोलने की तो मैं बोल नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। एक 55 वर्ष का व्यक्ति एक 15 साल की लड़की को जाके बोलता है आई लव यू। जाहिर है कि लड़की विरोध करती है, लड़की अपने माता पिता को जाकर बताती है, माता पिता जो है उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ये क्या है, वो कहता है कि ये क्या है, प्यार है मुझे, ठीक है। तकरार हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तमाम चीज़ें हुई, एक दिन उस व्यक्ति ने लाके उस 15 साल की बच्ची के ऊपर तेजाब फेंक दिया। कल जब मैं उसे मिला तो वो 26 साल की नवयौवना है, लेकिन वो एक ऐसे संघर्ष से गुजर रही है जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी 13 बार सर्जरी हो चुकी है और आज भी उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता, और 13 बार सर्जरीज का जो दर्द है, सिर्फ वही नहीं, इन 13 सर्जरीज में उसके 30 लाख रुपए लगे, और 30 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सरकार ने मुआवजे के तौर पे, मुआवजा के तौर पे देके अपना पल्ला झाड़ लिया। 25 लाख रुपया उसको भगवान जाने उसने कैसे जुटाया, किसी से मांगा है, कर्ज लिया है, क्या किया, और आज भी वो अपने उस पॉइंट को, अपनी उस सूरत को पाने से कोसों दूर, और उसके मन पर जो दाग लगा है उसको तो कभी कोई नहीं मिटा सकता। सो समस्याएं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं, और भारत एक ऐसा देश है, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर एक बार हम उस पाथ, उस रास्ते पे अग्रसर हो जाए ना, कि ये वाला रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है और हम चल रहे हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, चलते चलते कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमने चलना ही शुरू नहीं किया है अभी तक, सो उसकी मुझे ज़्यादा चिंता रहती है। हम आप देखिए कि कैसे पता लगेगा कि हमने चलना शुरू किया है कि नहीं, कैसे पता लगेगा, डेटा से पता कर लेते हैं। निर्भया का जब केस हुआ था तो पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरी दुनिया ने तूफान मचा दिया था, नतीजा कानून में बदलाव किए गए, कड़ा कानून आया, लेकिन सोशल स्तर पे क्या नतीजा आया, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, एसिड थ्रोइंग के जो मामले हैं, तेजाब फेंके जाने के मामले जो हैं, वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में दर गिर रही है, भारत दूसरे नंबर पे आता है लेकिन दर बढ़ रही है। तो मैं कैसे मानूं कि हमारा समाज उस रास्ते पे चल रहा है,
जब दर बढ़ रही है तो मैं कैसे मान लूँ। सो कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पर हम एक हमारा एक छोटा सा पोर्शन जरूर डेड है, उसको हिलाए जाने की, उसको दो चार इंजेक्शन दिए जाने की जरूरत है। सो फ्यूचर में ऐसा ही कुछ करने का विचार है। Now invite the audience to ask questions or interact with the author. जब धैर्य ने साथ छोड़ा हो बहुत सारे थे, लेकिन होता है ना कभी कभी के दामन छूट जाता है, कुछ पल के लिए छूटा रहता है, हम नीचे गिरना शुरू होते हैं, लेकिन फिर से उसको पकड़ते हैं। बस वही है, एक बार छूट गया, एक बार धीरज का दामन छूट गया तो फिर तो आप गिरे बिना नहीं रह सकते। और बहुत सारे लोग, जैसे सुसाइड का ही मसला ले लीजिए, आत्महत्या का मसला हमारे देश में बहुत गंभीर मसला है। और आत्महत्या तक व्यक्ति कब पहुंचता है, जब वो धीरज का दामन छोड़ देता है। हमारे आसपास का सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। मेरे 10,000 फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरे 50,000 ट्विटर फॉलोअर हैं, लेकिन फिर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। या इतने सारे लोग हैं, उनमें से कोई एक आपको वो आशा नहीं दे पाया, वो धीरज नहीं दे पाया। रिसोर्स तो छोड़ दीजिए, रिसोर्स आजकल कोई नहीं देता है। हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश सोसाइटी, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा है। बट एटलीस्ट एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो दी जा सकती है। तो कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप जब भी धीरज का दामन छूटता लगे तो उसको दोबारा पकड़। ऐसा बहुत बार हुआ है, आई डोंट नो कितनी चीज़ें बताऊँ, पर वही है कि बताऊँ आज मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हाइंडसाइट में सोचूंगा तो लगेगा अच्छा उस दिन तो छूट गया था, लेकिन फिर पकड़ भी तो लिया था ना। तो उसकी बात जी, अच्छा ऐसी जो सोशल डिसेबिलिटी है, इसको ऐसी किस चीज़ से जोड़ा जाए कि बच्चे स्कूल लाइफ में 6 years, 7 years, 8 years में ये समझ जाएं कि समाज में इन चीज़ों की स्वीकार्यता होनी चाहिए और सपोर्टिव भी होना चाहिए, और जिस प्रकार के ताने आपने बताए जी उनका उपयोग ना। क्या आप टीचर हैं जी? ओके, वाह, प्रणाम। और भी कोई टीचर है यहाँ पर? ओके, राइट। देखिए टीचर्स के मामले में इस किताब में, ये किताब टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय की जो मेरी सोच थी, मेरी जो समस्याएं थी, वो सब मैंने इसमें लिखी है। तो एक टीचर को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए ये समझने के लिए कि बच्चे किस तरह के दौर से गुजरते हैं। बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते, जैसे मेरे केस में भी मैंने ये सोच लिया था कि मैं बताऊंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा हाँ ठीक है कोई नहीं, ये ऐसा बातें, समस्या हल नहीं होगी। तो बेहतर है कि चुप रहो और अपना रास्ता ढूंढो। सो मुझे पर्सनली ये फील होने लगा है धीरे धीरे कि मैं फ्रेंकली बोल सकता हूँ, आई होप सो, मुझे ये धीरे धीरे लगने लगा है कि हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो बदलावों की ज़रूरत है, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि ज़रूरत है ज़रूरत है, लेकिन वो बदलाव कहाँ से आएंगे? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको उन लोगों के चयन का तरीका बदलना होगा जिनको हम शिक्षक कहते हैं। मुझे ये लगता है कि आज हमारे स्कूलों में जितने लोग टीचर के तौर पे पढ़ा रहे हैं, उनमें से शायद 1% टीचर्स भी ऐसे नहीं हैं जिनको स्टूडेंट्स आदर्श मान के, जिनकी उंगली पकड़ के वो अपना कैरेक्टर सेट करें। मैंने इसमें लिखा है 5वीं क्लास में मेरे टीचर हमारे ही स्कूल के सामने गंदी नाली में शराब पीकर पड़े हुए पाए गए थे, मेरे क्लास टीचर। मैं उनसे क्या सीखूंगा? मेरे ही एक टीचर मुझे को कितनी ही बार
विकलांगता को बेस बना के वो कमेंट्स करते हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसा मेरे साथ बहुत होता था प्राइमरी स्कूल में, यू नो बच्चे छोटे होते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती, वो मेरी बैसाखियाँ चुरा लेते थे और उनको कहीं दूर छुपा आते थे और बोलते थे कि अब तुम जाओ घर, कैसे जाओगे। मैं बहुत रोता था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सो अच्छा खासा रोने धोने, मुझे रुलाने धुलाने के बाद वो फिर वापस भी कर देते थे। लेकिन फिर मैं जब टीचर से शिकायत करता था, टीचर का क्या रवैया होता था, क्या रवैया होता था, रवैया ये होता था कि वो मेरी तरफ देखते हुए उस लड़के को ये कहेंगे कि अरे यार इसको भगवान ने पहले ही सजा दे रखी है, तो किसको क्यों सता रहे हो। और अगर आप में से किसी को भी इस वाक्य के ऊपर आश्चर्य हो तो बता दीजिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही होता है, यही आम भाषा है। जिस अध्यापक का अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण नहीं है वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा। अध्यापक केवल वही होना चाहिए जो बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सके, चाहे उसके स्टूडेंट्स एग्जाम्स में फेल हो जाए, लेकिन अगर वो एक अच्छे नागरिक बन गए तो वो सफल टीचर है। 1964 की फिल्म दोस्ती आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, उसमें टीचर थे, किसी को याद हो, शायद नहीं याद होगा, उसमें बहुत बूढ़े से टीचर थे, तो उन्होंने, उनका एक डायलॉग था कि गुरुजन और गार्जियन में फर्क ही कितना है। और गार्जियन कौन होता है, पेरेंट्स नहीं होते, गार्जियन का मतलब होता है समवन हु गार्ड्स, समवन हु टेक्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, समवन हु सेज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, दैट्स गार्जियन, दैट्स गुरुजन। लेकिन कितने गुरुजन हैं जो अपने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने इस रोल को निभा पा रहे हैं। एक ज़माना था जब लोग बीएड इसलिए करते थे कि यार छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं, कम आवर्स काम करना पड़ता है, 4 घंटे या 5 घंटे का स्कूल होता है, फिर आराम से घर आ जाओ, इसलिए टीचर्स बना करते थे। फ्रेंकली मेरे बहुत सारे जानकार जो हैं इसीलिए टीचर बने। अब जो लोग बन ही इसलिए टीचर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे। तो सबसे पहले वो चीज़ चेंज होनी चाहिए, वो चयन की प्रक्रिया चेंज होनी चाहिए। ऐसे लोगों का स्कूल्स में पहुंचना बहुत 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 ज़रूरी है जो बच्चों की मानसिकता को, उनके मन को छू सकें, बदल सकें। ऐसे टीचर ही नहीं, आप देखिए कि बड़े बड़े स्कूलों के अंदर स्टार्स को बुलाया जाता है कि आइए और भाषण दीजिए। भैया वो आएंगे, रेडियो जॉकी इसको बुला लिया, अब वो रेडियो जॉकी कौन है। एक बार मैं पैनल में था, एक उसमें रेडियो जॉकी थे। अब वो रेडियो जॉकी इसलिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि वो भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, तो बच्चे तो दीवाने हैं उसके, आए और वो भाषण दे के बच्चों को खूब हंसा हंसू के चले गए। लेकिन ऐसे लोगों को भी हम क्यों नहीं बुलाते जो एटलीस्ट बच्चों को एक उनके अंदर कुछ बदलाव ला सके। किसी किताब के बारे में मेरा मानना ये है कि किताब वही अच्छी होती है जिसमें आप इधर से घुसे और इधर से जब निकलें तो आप सेम इंसान ना रहें। अगर वो किताब आपको बदल नहीं सकती तो किताब बेकार है। तो उसी तरीके से टीचर का भी एग्जैक्टली आई टोटली एग्री बट वो पहचाने जाने की जो प्रक्रिया है कि कौन कौन है जो एज ए टीचर जिसका बर्थ हुआ है, ऐसा Agreed the cruel side of the people in your lives, but there must be someone who must have motivated you to the extent to write the books, to be a blogger, to open your YouTube channel, what and all the things. There must be someone behind this all. Yeah, of course. See, लोग अक्सर कहते हैं कि आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई किसी को प्रेरित नहीं कर सकता। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना प्रेरणा लेना इम्पॉर्टेंट है। आपके भीतर वो एलिमेंट होना चाहिए कि आप किसी से प्रेरित हो सके। ज़्यादातर लोग हो ही नहीं सकते, आप उनको कितना भी प्रेरणा दे लीजिए, आप उनको प्रेरणा में नहला लीजिए, उनको प्रेरणा खिला दीजिए, वो प्रेरित नहीं होंगे। ये जो क्रेडिट है, अगर कोई प्रेरित होता है मुझसे या इस किताब से या किसी से भी,
तो ये क्रेडिट उसका उस व्यक्ति को जा रहा है। तो पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि यस मेरे अंदर फॉर्चुनेटली वो एलिमेंट है कि मैं प्रेरित हुआ हूँ। मेरे सबसे पहले रोल मॉडल का नाम मारिया क्यूरी था, मैडम क्यूरी जिनको कहा जाता है। अगेन वो चौथी क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पता नहीं क्यों उसी चौथी क्लास की हिंदी की किताब में मारिया क्यूरी के बारे में एक चैप्टर था और तब से मेरा विज्ञान में इंटरेस्ट जाग गया था। तो प्रेरित करने वाले लोग तो बहुत थे। कोई इसका विशेष वो नहीं था, जैसे सर होते हैं। एक बार मेरे सामने एक एडवर्टीजमेंट आई कि यूनाइटेड नेशंस को एक आईटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, मुझे लगा कि मैं उसके लिए क्वालिफाइड हूँ, मैंने अप्लाई किया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं सिलेक्ट हो गया। इंटरव्यू में सिलेक्ट होना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, अभी भी बहुत टूटी फूटी टाइप की है। सो उस समय तो बहुत ही टूटी फूटी थी, लेकिन मेरे इंटरव्यू पैनल में एक जर्मन था, एक जर्मन व्यक्ति था, एक रशियन था, दो इंडियन थे और एक साउथ कोरियन। तो ऐसा मेरे सामने पैनल बैठा था, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया। मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो एक अलग समाज है। समाज के तौर पर उन लोगों की जो साइकी है वो डिफरेंट है। अब ये जो सोशल साइकी होती है ना, वो उसको समझने की ज़रूरत है। हम सोसाइटी के तौर पे अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। केवल कानून का भय अगर अपराध रोक सकता तो ऑनेस्टली आज दुनिया में अपराध नहीं होते। आपको क्या करने की ज़रूरत है, कानून लिख दीजिए कि जो भी रेप करेगा उसके 1000 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए जाएंगे, अपराध बंद। क्यों? क्योंकि कानून है, भय होना चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ कानून होने से बात नहीं बनती, वो सोशल साइकी चेंज होनी जरूरी है। इंट्रीगिंग एंड एलिवेटिंग टॉक, एडिंग ऑल द इमोशनल एंड मेंटल विटामिंस व्हिच वी ऑल सो नीड। यू आर ब्रेव इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट मिक्सिंग योर वर्ड्स, हियरिंग योर वर्ड्स द वे यू राइट देम एंड द वे यू सी द वर्ल्ड इन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट makes us all feel and emote similarly. We will take back your strong message that disability is diversity. And after getting a glimpse of Girna, Sambhalna and Purna, I feel handicapped for not having enough courage and strength. But with that, you have given us hope and a never say die attitude. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Thank you, audience, for this absolutely enriching, heart-feeling session. I would now request all the members who asked questions to come forward and take their bookmarks from Lalit ji. Shikha, auntie, please. I will now request Mrs. Yes, yes. Thank you so much. Please get your book signed by the author himself. And thank you on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas Vibhinno for this. Thank you so much.